Hi everyone, welcome back to my new vlog. Fresh day and I'm feeling fresh today and very happy. थैंक गॉड आज मैंने अपने दिन की शुरुआत कर ही दी है. इतने दिनों तक वायरल और वायरल का इफेक्ट ही ख़त्म नहीं हो रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट टुडे आई एम फीलिंग नाइस एंड गुड. तो आज मैंने सोचा चलो क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए. और स्पेशली मैंने प्लान बनाया है, मैंने कहा काम भी ख़त्म हो जाएगा, प्रिंस तो यहाँ है नहीं. आई थॉट टू गो टू फॉर माई हाउस, न्यू हाउस शॉपिंग. उसके लिए मैंने प्लान किया है चलिए किसी एक अच्छी जगह चलते हैं. सो आई एम गोइंग टू आइकिया. वहाँ से वैसे भी मेरे मैक्सिमम घर की शॉपिंग ऑल यू कैन सी वहीं से है. सो मैंने कहा अब हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं तो क्यों ना कुछ नए वाइब की चीज़ें देखी जाएँ. इफ़ आई लाइक समथिंग आई एम गोना बाय फ्रॉम देयर. सो अभी वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट शुरू हो गया है. सो गाइज मैंने जैसे आपको बोला था, आपके सजेशन प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम. गिव मी सम आइडियाज़ कि मुझे अपनी बालकनी कैसी बनानी चाहिए, मुझे कैसे क्या फील डालना चाहिए. सो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक राउंड नीचे भी लगा लूँ एंड उस थोड़ा सा माइंड में रखे और उसके बाद फिर हम निकलते हैं सीधा आइकिया की तरफ. मैंने उधर से बुलाया अपने ब्रदर को बिकॉज मैं यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि इट्स वेरी फार. आई एम गोइंग टू बिगेस्ट मॉल. सो वहाँ अपने को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं बेसिकली. सो मैंने बोला है कि यार प्लीज़ चलिए साथ में. तो फैमिली इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, दे विल पिक मी अप एंड इस बहाने आई कैन फिनिश माई वर्क ऑल्सो. तो मैंने बड़ी मुश्किल से पटाया घर वालों को प्लीज़ 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 मुझे काम है, चलो आप सब साथ में चलो. सो इस बहाने चलिए फैमिली इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर और मेरा काम भी खत्म हो जाएगा, फैमिली का घूमना भी हो जाएगा. इफ़ दे वांट टू शॉप समथिंग फॉर देयर हाउस दे कैन. मैंने सोचा नज़र डाल लेती हूँ कहाँ पे क्या कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें जो यू नो अलग सी, स्पेशली फॉर बैल्कनी बिकॉज ऑफ कोर्स अंदर इंटीरियर होगा तो उस हिसाब से चीज़ें होंगी. बट बैल्कनी में मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है या फिर कुछ अच्छा सा मैं कुछ प्लान्स लेके आऊँ वहाँ से, तो ये सारा दिमाग में मेरे है. ये है फर्स्ट शॉपिंग विद युवान की पहली शॉपिंग है ना. अरे घूमी वैसे तो ये जब से पैदा हुआ है तब से घूम ही रहा है, बट शॉपिंग के लिए फर्स्ट टाइम. जो कि मेरी बहुत फेवरेट जगह है. ये देखिए सामने लेक, बहुत प्यारा सा लेक. अगर ये ऑटो हटे तो फिर लेक नज़र आए. और जब भी मैं यहाँ से गुजर, हीरा नंदानी की खास बात ये है कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन बहुत ही थीम में है एंड वेरी इंग्लिश वेरी यूरोपियन फील देता है. अगर आप यहाँ पे आके स्पेशली घूमने आओ तो यहाँ की पूरा कंस्ट्रक्शन अलग है, अलग दुनिया लगती है. लास्ट टाइम में अपने पापा के साथ भी थे हम लोग, यहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचाए थे. चलो रिक्रिएट करते हैं. लास्ट टाइम हमने एक ही आए थे शॉपिंग करने के लिए. मम्मी यहाँ है, पापा यहाँ थे और यहाँ मैं बैठी हुई थी. ऐसे मुझे ये टेबल बहुत पसंद आई, सर्विंग टेबल है एंड अपने किचन से आप इसको सीधा लिविंग रूम में ले जा सकते हो. लेकिन मुझे इसमें रेड कलर नहीं चाहिए बिकॉज़ रेड इज़ too bright because I'm looking for something nice, basic, very simple. So red color नहीं था. मैं पूछने वाली हूँ या फिर ऑनलाइन देखने वाली हूँ कि red color इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा. यार मुझे लग रही है भूख जल्दी जल्दी सब लोग ख़त्म करें क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल एक दो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं जो मैंने फ़िलहाल अपने माइंड में सेट कर ली है. लेकिन वो मैं जैसे टेबल मुझे अच्छी लगी लेकिन मैं वो पूछने वाली हूँ आगे जाके काउंटर पर कि Will I get white color in that or not? Otherwise रेड तो नहीं लेने वाली हूँ. अब इन लोगों के पूछे, ये लोग भी अपनी शॉपिंग में लग गए हैं. somehow मुझे वो वाइट कलर की टेबल देखने के बाद ऐसा भी फील आ रहा है जैसे हॉस्पिटल में सामान नहीं रखा होता. मैंने देख तो लिया अब मम्मी को पसंद आ रही है। आई डोंट नो, मेरा तो प्लान कैंसिल हो गया बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ नो। लेट्स गो। इस टेबल को कस्टमाइज़ कराती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज़ इसमें ना आई वांट फोल्डिंग टेबल। अच्छी लग रही है ये, बट जितना नैरो और लंबी होगी ना तो अच्छी लगेगी। लेट्स सी। सो डाइनिंग टेबल पसंद आई है गाइज, बट आई वांट जितना ज़्यादा फोल्ड होके पतली नैरो हो जाए उतना मज़ा आ जाएगा। एक्स्ट्रा शॉपिंग आई एम नॉट गोना डू बिकॉज़ मुझे अपने घर में स्पेस चाहिए एंड आई विल ट्राई कि जो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है मैं उसको अपने आप यूज़ करूँ उठा के। आई लाइक दीज वासेस बट सो अ ब्यूटीफुल फील, यू नो। हर एरिया का एक एक सेटअप बनाया हुआ है एंड इट्स सो नाइस। आप यहाँ पे आके यू कैन इमेजिन योर ओन लिविंग रूम, ओन बेडरूम कि आपको कैसा चाहिए। हर तरह का डिज़ाइन, हर तरह का स्टाइल यहाँ पे है एंड आई जस्ट लव दिस। अब इनकी तो बात मत करो, ये तो मेरे घर में थोक के हिसाब से है। जब प्रिंस शॉपिंग करता है तो ऐसे ही करता है कि भैया इतनी वॉल पे लटकी हुई हैं, किस किस कंट्री के टाइमिंग है आप देखना घर जाके, आपको आप दिखाऊंगी मैं। यहाँ तो मैं नज़र भी नहीं डालना चाहती, जो मेरे घर में खुद लगी हैं वो सारे के सारे मैं उठा के देने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना कीप इट। अब इनका पूछ लेते हैं इनका क्या चल रहा है, इन्होंने शॉपिंग की है क्या नहीं। कहाँ गए? हाँ, ओह उधर है। भूख लगी है, फाइनली मेरी फेवरेट जगह आ गया है। खाने के लिए तो होती है चीजें। खाना वाना तो हमने ले लिया है गाइज और अब हम लेने वाले हैं कॉफी। So coffee is from here. कहीं भी टर्न करती हूँ मम्मी बोलती है क्या ज़रूरत है, वेस्ट क्यों करना है घर में, बेकार में भीड़ हो जाएगी क्या चीज़ों की। यार मैं मम्मी के साथ अब शॉपिंग नहीं कर सकती। शी इज़ स्टॉपिंग मी हर चीज़ के लिए। बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, घर में तुम्हारी भीड़ लग जाती है, फालतू का सामान मत लो। तो मैं कोई भी चीज़, जैसे मुझे ये पसंद आया है ना, ठीक है ना, आई लाइक दिस, आई हैव ऑलरेडी दिस वन। मैं बोल नहीं रही हूँ कि मुझे लेना है। अगर मैं देख भी रही हूँ तो मम्मी बोलेगी है बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, रख दो। जब मेरी किचन शिफ्ट हो जाएगी तब मैं चीज़ें करने वाली हूँ, प्रिंस के साथ आने वाली हूँ तभी लेने वाली हूँ। बट जो मैंने कुछ बड़ी चीज़ें शॉर्टलिस्ट की हैं वो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली बाय बिकॉज वो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बस एक बार मुझे ये देखना है कि इंटीरियर से यू नो द गाय हु इज़ गोना डू माई हाउस विल ही अग्री कि मैंने जो चूज़ किया है ऑन माई चॉइस। सो लेट्स सी गाइस, चलो लेके देख लो क्या फर्क पड़ता है। काफ़ी मज़ा आया। मज़ा तो ये आया कि मैं अपनी शॉपिंग के लिए गई थी। मैंने अपनी शॉपिंग नहीं की लेकिन फैमिली ने अपनी शॉपिंग कर ली है। प्लान उनका शॉपिंग का नहीं था, बेसिकली मेरा ये था कि मैं एक बार देख के चीज़ें आ जाती हूँ और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी तो मैं डेफिनेटली शॉप करूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई बट आई वॉज़ नॉट 100% श्योर, तो आई थॉट मैं प्रिंस से पूछ के तब प्लान करूँगी, बिकॉज अभी इंटीरियर हमारा किस तरीके का होने वाला है, कहाँ पे कितने एरिया में क्या चीज़ फिट बैठेगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ मुझे इस बार मेक श्योर करना है कि मेरी नीचे वाले घर में भीड़ कम हो। आई डोंट वांट टू कीप लॉट ऑफ स्टफ, मुझे बहुत स्पेस चाहिए एंड यही मेरी कोशिश है और रहेगी। सो इट वॉज़ सो मच ऑफ फन कि आई कांट इवन टेल यू। थक गई हूँ, अब पैरों में हो गया दर्द और अब फ़िलहाल दिन ख़त्म हो गया है। अमेजिंग डे था बट आई एम जस्ट थिंकिंग कल फिर हम एक और जगह हमने प्लान किया है विच लेट्स सी अगर हम लोग सब लोग चलेंगे तो क्योंकि अकेले जाऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा। उस जगह पे जाने में मज़ा तभी है जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो। तो आज का दिन था फुल ऑन फन, खाना पीना मस्ती एंड शॉपिंग एंड फुल ऑन धमाल विद फैमिली। सो इसी बात पे आज के दिन के लिए आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। लव योर सेल्फ एंड लिव योर लाइफ बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग एंड भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज एवरी डे, न्यू फीलिंग, न्यू जर्नी, जो मुझे भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है और यही तो है एडवेंचर हमारी लाइफ का। सो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लिव योर लाइफ एंड लव योर सेल्फ।